हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आईबीपीएस की तरफ से पीओ की भर्ती निकल कर आ चुकी है, न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। दोस्तों, पूरी डिटेल में जानकारी में बात करने वाले हैं। इसका फुल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या मांगेगी, फीस क्या रखेगी, क्वालिफिकेशन एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी आपको, जॉब प्रोफाइल जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, कुल मिलाकर यहाँ पर 4455 पदों पर भर्ती निकली है। इसके अलावा ये वैकेंसी बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेंगी वो भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सैलरी वगैरह क्या मिलेगी पूरा कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, आईपीएस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। 2025-26 के लिए अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओके, चलिए इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज कितनी मांगी गई है, फीस कितनी रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं दोस्तों। अप्लाई करने की डेट क्या रखी है, तो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे दोस्तों 1 अगस्त 2024 से। लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की ऑनलाइन 21 अगस्त 2024, और एडमिट कार्ड इसके डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे अक्टूबर के मंथ में, और एग्जाम जो डेट है इसकी प्रीलिम्स की वो अक्टूबर 2024 रहने वाला है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी हैं 4455, ये बढ़कर ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक है, टोटल 11 प्रकार के बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से कुछ बैंक ऐसे जिन्होंने एनआर रिपोर्ट किया हुआ है। एनआर का मतलब हुआ है अभी तक उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, और ये भविष्य में जो है रिपोर्ट करेंगे। मतलब जो वैकेंसी आपका चल रहा है इन ड्यूरेशन बिटवीन जॉब, जो प्रोसेस चल रही है आपकी जॉब को फिल करने की, उसके ड्यूरेशन में ये लोग अपनी रिपोर्टिंग दे देंगे। और ये जो वैकेंसी है लगभग 6 से 8 हज़ार के बीच अनुमानित है कि 6 हज़ार से लेकर 8 हज़ार तक यहाँ पर ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एससी की कितनी है अलग अलग बैंक के द्वारा, एसटी की कितनी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की, और टोटल कितनी है। टोटल आप देख सकते हैं 4455 है, ठीक है। और बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी होती है ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। कौन सी वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया की। तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो ऑल इंडिया की वैकेंसी मिलाकर बता रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको इसके अंदर वैकेंसी दी जा सकती है, ठीक है। एससी की 657 है, एसटी की 332 है, ओबीसी की 1185 है, ईडब्ल्यूएस की 435 और यूआर की 1840। टोटल होता है आपका 4455 अदर कैटेगरी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एज क्या मांगेंगे दोस्तों, तो एज देख सकते हैं कोई भी विद्यार्थी जो 20 से लेकर 30 साल के बीच में है, जिसकी जो एज है वो 30 साल का 1 अगस्त 2024 से इसकी काउंट की जाएगी, ठीक है। बात कर ले रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, बाकी जो अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उनको 10 साल का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फीस कितनी रखी गई, तो फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, वहीं ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कर रखी है ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, आपकी जो आपके पास जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए 21 अगस्त 2024 तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। टोटल आपका 3 स्टेजेस पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेंगे फिर आपका मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव साथ में ही होता है। मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव मैं इसका ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। मेंस भी मैंने क्लियर किया हुआ है, और सॉरी प्री क्लियर किया था, मेंस मेरा रह गया था, ठीक है, एक नंबर से। तो मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका डीवी प्लस इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, 6 महीने के अंदर आपको ये जॉब दे देते हैं जो भी बैंक की जॉब निकलती है, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 सेक्शन होंगे आपके, जिसमें इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ से इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पर टाइम फिक्स होता है, जैसे इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट, और रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। टोटल 60 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी जाती है, जो कि आपकी होती है 0.25 की, ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका मेंस में क्या होता है, मेंस देख लेते हैं। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस, जैसा कि आपको दिख रहा है। मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। वैसे पूरा इसका रीजनिंग का आता है ना, कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर ना के बराबर आता ही नहीं है। पहली बात तो 45 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे आपको, और टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे। इसमें भी सेक्शन वाइज टाइमिंग होती है, और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी एंड इंग्लिश होगी। बात कर लेते हैं, दूसरा आएगा आपका
जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर आप जिसे बोलते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, 35 मिनट आपको इसके लिए दी जाएंगे। तीसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश में रहेगा, 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो कि मैथ्स का सेक्शन रहता है, 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, 45 मिनट दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद आपका, जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, 3 घंटे आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपको जो है राइटिंग कराई जाती है जो कि आपका कंप्यूटर पर टाइप करा के की जाती है। किस तरीके से की जाती है आगे आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा। लेटर राइटिंग और ऐसे एक आपको ऐसे लिखना होता है जो कि आपका रहता है 15 नंबर का, और आपका जो लेटर होता है वो आपका होता है 10 नंबर का, ठीक है। टोटल 25 नंबर होते हैं आपके, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, इंग्लिश में रहता है आपको टाइप करना होता है, वहाँ पर कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग आपको 30 मिनट दी जाती है, 30 मिनट में आपको दोनों सेक्शन कंप्लीट करना होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग एंड ऐसे आएगा, मे बी इवैल्यूएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इंटरव्यू, इसके बाद आपका क्या होता है इंटरव्यू होता है, जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, तो मेंस के अकॉर्डिंग जो आप ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। सैलरी बात कर लें तो दोस्तों इसमें जो सैलरी रहेगी वो 65 से 70 के पर मंथ आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पर सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ये अलग अलग बैंक के द्वारा और अलग अलग सिटी में वेरी करती है, इसलिए यहाँ पर 65 से 70 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब है तो काफ़ी शानदार अपने आप में जॉब होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि 60 से 70 हज़ार आपको सैलरी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये जो बैंक होते हैं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में क्या है इनकी ब्रांचेज हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में ही आपको यहाँ पर कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है, ठीक है। और ये वेरी करता है कि आपके मार्क्स कितने, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि कितनी दूर आपको देना। अगर आपके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं तो आपको दूर भी दे सकते हैं, और अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर पास ही के आपके जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको बैंक हैं वहाँ पर आपको जॉब दी जा सकती है। ये वैकेंसी पर भी डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस बैंक में कितनी जॉब खाली है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल वही रहेगी आपकी जो जैसे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह में चेक्स रिलेटेड वर्क होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो यही लोन्स वगैरह के जो वर्क होते हैं यही आपका काम, आपको मालूम बैंकिंग में होता है क्या, बैंकिंग में पैसे लेन देन का काम होता है, तो वही आपका काम यहाँ पर रहने वाला है, ओके। इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं, इसमें इंटरनल एग्जाम भी होते हैं, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर जॉब लोके जल्दी से मैनेजर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी जॉब है दोस्तों, इसका फॉर्म जरूर फिल करिएगा आप, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना डाउट कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।